सुप्रभात बच्चों, वर्ग प्रथम, विषय हिंदी व्याकरण, पाठ नंबर 13। पाठ कितना है? 13। पाठ 13 में आपको पढ़ना है सुनो कहानी। क्या करना है? कहानी सुनिए आप पहले, और नीचे जो दिया गया है चित्र, इसे इस कहानी को भी आपको पूरा करना है। ठीक है, क्या करना है? पूरा करना है। आइए समझिए आप क्या है कि क्या चीज़ का चित्र दिया हुआ? कौवा का। तो ये लिखा हुआ एक कौवा। कौवा किस कलर से लिखा? लाल कलर से। ठीक है, एक कौवा। यहाँ खाली स्थान था, आपको भरना था चित्र को देखकर। एक कौवा प्यासा था। फिर क्या चीज़ का चित्र है? घड़े। तो घड़े में थोड़े पानी था। कौवा हुआ उदास। कौवा जब देखा कि घड़ा में थोड़ा ही पानी है, ठीक है, तो क्या हो गया? उदास हो गया। पर उसने न छोड़ी आस, उसने आशा नहीं छोड़ी। ठीक है, कौवा लाया क्या चीज़ का चित्र? कंकड़ का। तो कौवा लाया कंकड़। फिर घड़े में डाले कंकड़। ठीक है, घड़े में डाले कंकड़, पानी आया ऊपर। ऐसे ही कौवा घड़े में कंकड़ डालते गया, पानी क्या हो गया? ऊपर आ गया। कौवे ने पिया पानी। क्या फिर क्या कौवा? जब पानी ऊपर आ गया तो कौवे ने अपनी प्यास बुझाई, और उसकी जैसे ही पानी पी उसकी उदासी दूर हो गई, दूर हुई उदासी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र देखकर चित्र का नाम भरना है खाली स्थान में। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको इसमें भी क्या करना है? पूरा करना है। ठीक है, घंटी बजती है, बच्चे क्या करने लगते हैं? खेलने लगते हैं, और गेंद से बच्चे खेलने लगते हैं। आधी छुट्टी की घंटी बजती है, कुछ छात्र कक्षा में से क्या है गेंद से खेलने लगते हैं बाहर जाकर। गोविंद, इस बच्चे का क्या नाम है? गोविंद ने जोर से क्या फेंकी? गेंद फेंकी। और क्या है? दरवाज़ा का शीशा टूट गया। फिर क्या है ये? शिक्षिका ने आकर पूछा, शीशा किसने तोड़ा? सब बच्चे डरे हुए चुप थे। तभी गोविंद ने खड़े होकर सब कुछ सच सच बता दिया। अध्यापिका ने उसे माफ़ कर दिया, और सब ने गोविंद की तारीफ की। ठीक है, तो आपको देखिए, गेंद, खिड़की, अध्यापिका, घंटी, गोविंद, शीशा, गोविंद। ठीक है, आपको इन सब में से ही इस खाली स्थान को क्या करना है? भरना है। क्या करना है? आपको भरना है। ठीक है, आप इसे कॉपी में लिख कर आप इसे भर लीजिएगा। ठीक है, आपको कॉपी में पूरा कर लेना है। डायरी वर्क में है, सॉल्व इन कॉपी। ठीक है, आप सब अपनी कॉपी में लिख कर इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।